तो यही कारण है कि हमें इन नए मीम कॉइन्स के ऊपर काफी ज्यादा पंप देखने को मिल रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक क्रिप्टोलवर फॉरएवर, एंड आज हम लोग बात करेंगे ऑगी इनू कॉइन के बारे में। जी हाँ गाइस, काफी लोगों की कमेंट्स आ रही थी एंड काफी लोग इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर रहे थे कि ऑगी इनू को बाय करें या नहीं। सो मैं बता देता हूँ, आज का यह वीडियो देखने के बाद में आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस कॉइन के अंदर हम टोटली ऑगी इनू की डिटेल के बारे में बात करेंगे एंड यहाँ से जाने कि ऑगी इनू के अंदर इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं, ऑगी इनू रियल है या स्कैम, एंड टोटली एनालिसिस आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। एंड उससे पहले एक बात और बता दूं कि आप लोग भी यूट्यूब के भरोसे मत रहा करें, थोड़ा सा खुद की भी रिसर्च जरूर किया करें, उसके बाद ही में किसी कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, तब आप डबल श्योर भी हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑगी इनू की पूरी रिसर्च को करने वाले हैं एंड आपको यहां से थोड़े और टूल्स भी मालूम पड़ने वाले हैं, जिनसे आप भी किसी कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर पाएंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के नए कंटेंट्स एंड रिव्यू लेकर मैं आता रहता हूं अपने इस चैनल पे। सो अभी चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑगी इनू के ट्विटर अकाउंट से। तो यहाँ पे आने के बाद में हमें देखने को मिलता है कि ऑगी इनू का जो टोटल ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पे जो है हमें गोल्डन टिक से वेरीफाई देखने को मिला, बट यहाँ पे अगर हम फॉलोअर्स की बात करें तो 11.4 के फॉलोअर्स यहाँ पे इनको देखने को मिल रहे हैं एंड यहाँ पे इनकी जो बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स होने होती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ट्विटर अकाउंट पे अब ब्लू टिक लेना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आप पे करेंगे आपको भी ट्विटर अकाउंट पे ब्लू टिक, ग्रीन टिक, गोल्डन टिक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब ट्विटर अकाउंट पे जो टिक मिल रहे हैं वो भी पेमेंट पे ही मिल रहा है। सो कोई भी अपने चैनल पे या अपने अकाउंट पे ले सकता है एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो इनको जो है लवली इनू फाइनेंस में फॉलो करके रखा हुआ है, बट अगर हम थोड़ा सा अभी चलते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर एंड वहाँ पे देखते हैं। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद में हमें जो है ऑगी इनू की देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ हमें खास देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी वेबसाइट कोई भी बंदा बना सकता है, क्योंकि अगर आप एक टोकन को लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट को सही तरीके से बनाना चाहिए एंड यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा खास इनकी वेबसाइट के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे एक लोगो रखा गया है एंड ये लोगो कौन सा है, जो बहुत ज्यादा फेमस आप लोग कार्टून देखते थे ऑगी एंड कॉकरोच, उसी का लोगो उठा के यहाँ पे रखा गया एंड ऑगी इनू कॉइन को जनरेट कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके की यहाँ पे ट्विटर के ऊपर हाइप बनाई गई एंड इसको जो है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे लाया गया एंड इसके ऊपर लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया और यहाँ पे बड़ा फंड आया और इसके अंदर एक हमें जो है बुलिश कैंडल देखने को मिली। बट अगर हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके इसके जो है टोकोनॉमिक्स की बात करें, तो यहाँ पे 27% प्रीसेल के लिए रखा है एंड 72% बर्नेट के लिए रखा, बट यहाँ पे वेबसाइट आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा खास देखने को हमें नहीं मिल रहे हैं। पार्टनर्स की बात करें तो बेबी डॉस, टेरा लूना, लवली इनू, वोल्ट इनू, बीएससी स्कैन, कॉइन टिगर वगैरह, इनके जो बड़े बड़े पार्टनर्स को यहाँ पे जो दिखा रखा है एंड हाँ सर्टिक आपको मैं इसके विषय में भी बताऊंगा, टोटली जो है आपको रिसर्च के साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं आया हूँ। एंड यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं इनके रोड मैप को देख लीजिए, स्टेज वन इनका कंप्लीट हो चुका है, स्टेज टू भी आपके सामने एंड स्टेज थ्री पे आ चुके हैं, इसके बाद तो कोई इनका स्टेज ही यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। तो गाइस, इस कॉइन के यहाँ पे जो है रोड मैप के हिसाब से भी हमें कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है इस कॉइन के अंदर एंड यहाँ पे अगर देख सकते हैं इसका कुछ भी ज्यादा हमें जो है थोड़ा सा ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब में एंड सोशल मीडिया थोड़े से मिल जाते हैं, बट वो जो वेबसाइट होनी चाहिए ना, एक जेन्युइन वेबसाइट वाली वेबसाइट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बट अभी हम चलते हैं इनके कॉइन मार्केट कैप के ऊपर एंड वहाँ पे भी हम देख लेते हैं इसके करंट प्राइस की बात करें तो 90 के बाद 1235 की सीरीज देखने को मिल रही है एंड करंट रैंक की बात करें तो 3336 की रैंक देखने को मिल रही है एंड 1124 लोगों ने इसको वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखा हुआ है। एंड अगर हम यहाँ पे थोड़ा सप्लाई पे नजर डालें ना, तो सप्लाई देख सकते हैं आप 420 यानी 420 की यहाँ पे सप्लाई है। बताइए 420 की सप्लाई, अगर सप्लाई अपने हाथ ही रखी जाती है तो यहाँ पे 420 ही रखने की क्या जरूरत थी, यहाँ पे सप्लाई को कुछ अलग भी तो रखा जा सकता था, बट यहाँ पे इन्होंने 420 सप्लाई को रखा है। एंड अगर बात करें तो इस पंप की, यहाँ पे जो हमें आज 101% का पंप देखने को मिला है, बस थोड़ा सा डाउन है, ये हमें जो है 170-180% का पंप यहाँ पे था। तो ये पंप कैसे आया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पंप आया है ऑगी इनू की जो पार्टनरशिप हुई बेबी डॉज के साथ, तो यहाँ पे जो है इसको जो है बेबी डॉज ने अपने जो है बेबी डॉज स्वैप के ऊपर लिस्ट किया, जिसके कारण ऑगी इनू के ऊपर जो है ट्रेंडिंग आया एंड ट्रेंड पे आया और इसके ऊपर जो है फंड आना शुरू है एंड इसके
ऊपर जो है एक अच्छा पंप हमें देखने को मिला। बट यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पे इसी ट्वीट्स के नीचे अगर थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं ना, दिस इज अ स्पॉन्सर्ड फ्रॉम ऑलवेज डू यू ऑन रिसर्च डू यू नॉट इंडोर्स एंड सर्टिस एनी प्रोजेक्ट। तो बेबी डॉज ने क्लियर कट बोला है कि मैंने इस प्रोजेक्ट के विषय में कोई जो है सर्टिफाई नहीं किया है। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही में इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। एंड यहाँ पे गाइज अगर मैं आपको एक बात और दिखा दूं कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा और सर्टिफिकेट, आप बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे भाई ये सर्टिफिकेट है, तो मैं आपको एक बात और दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट हमें क्या देखने को मिल रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ सर्टिफिकेट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा, NA यानी कुछ भी यहाँ पे अभी हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, ना यहाँ पे कुछ देखने को मिला इन्फो में, बस ऐसे ही सर्टिफिकेट वहाँ पे आ गया। एंड आप देख पा रहे हैं अगर हम इसी को सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ये टॉप मीम कॉइन हमारा जो शिबा इनू है 14 नंबर की रैंक वाला। एंड अगर हम इसके सर्टिफिकेट की बात करें ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है ना 94.26% का है, बट उस कॉइन के ऊपर तो NA कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो कैसा कॉइन होने वाला है। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा अपनी देख सकते हैं, एंड और यहाँ पे अभी हम चलते हैं इसके डेक्स टूल के ऊपर। एंड डेक्स टूल के ऊपर आने के बाद में जो है टोटल लिक्विडिटी यहाँ पे जो देख सकते हैं 176.959K की है। एंड लास्ट 24 आवर्स का अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 192.89 डॉलर का है, के डॉलर्स का है। एंड यहाँ पे पूल्स की बात करें तो 246 की यहाँ पे जो है पूल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड आप देख सकते हैं होल्डर्स जो है 5000 प्लस हो चुके हैं, टोटल ट्रांजेक्शन इनके जो 23,045 हो चुके हैं। एंड यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल रहा है कि 99% कम्युनिटी ट्रस्ट इसका देखने को मिला, बट यहाँ पे जो ट्रस्ट कितने लोगों का है, ओनली 3 लोगों की यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कम्युनिटी ट्रस्ट, तो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है। एंड इसी प्रकार आप जो है किसी कॉइन के ऊपर जो है रिसर्च कर सकते हैं। एंड भैया मैं इस कॉइन को जो है अभी इन्वेस्ट करने की कोई सलाह नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि जिसकी सप्लाई ही 420 के नाम से रखी गई हो तो आगे क्या करने वाला है तो आप सभी जानते हैं। एंड जिसको बेबी डॉज ने भी क्लियर कट बोल दिया है कि इसके ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। एंड हाँ, अगर इसका कुछ अच्छा रोड मैप आता है एंड यहाँ से जो है इसके अंदर कुछ सुधार होते हैं, रोड मैप अच्छा लेकर आते हैं, इसकी लिस्टिंग भी कुछ अच्छे एक्सचेंज पे देखने को मिलती है एंड ये डंप नहीं होता है, तो इस कॉइन के ऊपर मैं दोबारा से वीडियो भी बनाऊंगा एंड आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। बट अभी के लिए मैं क्लियर मना करता हूँ कि इतना ज्यादा इसमें पंप ऑलरेडी है, तो यहाँ से आपको जो है डंप भी देखने को मिल सकता है। सो ऐसे कॉइन से थोड़ा सा दूर रहें, एंड जब उसके ऊपर कुछ अच्छा रोड मैप आएगा तो उसके बाद में ही आप उसमें रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है, तो पहले थोड़ा खुद की भी रिसर्च करें एंड ऐसे कॉइन से जितना हो सके उतना दूरी ही बना के रखें। सो आज के टॉपिक में यही कवर करना था एंड मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको एक बात और बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अपडेट्स होती हैं जो कि मैं आपको जो वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाता हूँ, तो यहाँ पे जो टेलीग्राम के माध्यम से देता रहता हूँ, सो आप यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं लाजमी। एंड आज का टॉपिक यहीं तक था, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड क्रिप्टो लवर फॉरएवर।